बसमरिम अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे अल्लाह पाक सब को ठीक रखे और अपने हिफ्ज ईमान में रखे ये मेरा विलाग थोड़ा सा लेट हो गया आप लोगों के साथ शेयर करते करते क्योंकि और इतने सारे विग थे पहले मैं वो शेयर करती रही ये एक्चुअली न्यू ईयर का विलाग है यहाँ पे बुराक और मुंतहा के लिए हमारी नेक्स्ट डोर नेबर जो है नौशीन वो बच्चों के लिए चॉकलेट्स और इनके लिए प्रजेंट्स देखे गई थी तो यहाँ पे बुराक जो है वो बैग जो है वो उसको खोल रहा था और साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी ये बुराक के लिए देखे कलरिंग बुक आई है चेजपा और साथ में इसके कलर्स भी बने हुए हैं और ड्राइंग करने के लिए बड़ा ही प्यारा सा ये प्रेजेंट और मुंतहा के लिए वो आपको छोटा सा बैग नज़र आ रहा है पॉपअप बैग यहाँ पे ये बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा पसंद हैं इसके साथ खेलते रहते हैं और साथ में चॉकलेट्स थी मुंतहा के लिए परफ्यूम थी और न्यू ईयर का कार्ड था हमारे नेबर में जितने भी यहाँ पे गोरे थे पाकिस्तानी तो है हम ही दो फैमिलीज हैं एक हम लोग और एक नशीन ज़्यादातर यहाँ पे गोरे ही और काले ही हैं तो सब ने एक दूसरे को कार्ड जो है वो न्यू ईयर के भेजे तो हम लोग भी न्यू ईयर के कार्ड लेके आए थे क्रिसमस पे तो खैर हमने किसी को दिया नहीं तो चलें जी आ, सब को ड्रॉप करेंगे उनकी डोर पे और आ, ये न्यू ईयर का कार्ड था बस व्लॉग शेयर करते करते थोड़ा सा लेट हो गई थी बुराक साहब यहाँ पे बैठ के अपने कलर्स कर रहे थे और आ, ये चीज़ पा आ, बुक कार्टून्स भी हैं करेक्टर है, है। यहाँ पे आपको पता ही है कि जो करैक्टर्स टॉयज होते हैं वो कितने ही एक्सपेंसिव होते हैं और ब्रॉक को जब भी आजडा डाट को ले जाओ तो ऐसा होता ही नहीं कि ब्रॉक हाली हाथ घर आए बस हमने जैसे मन्नत नहीं मानी हुई कि बुराक ने एक टॉय लेना ही लेना है तो उठाता तो बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ से फिर मैं आगे पीछे कर देती हूँ एक ही इसको ले कर देती हूँ लेकिन यह है कि हर दफ़ा इसने ज़रूर एक ना एक लेना होता है कभी भी ये खाली हाथ घर नहीं आया तो वीडियो बड़े ही मज़े की है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में तोक ले भी शेयर करूँगी बहुत ही इजी सी रेसिपी तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा मज़े का व्लॉग है और हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं ये देखें कितनी ही कलरफुल कैंडी डिफरेंट डिफरेंट से इसके फ्लेवर्स आ जाएं आप लोग भी ज्वाइन करें आप लोग भी खाएं और कैंडीज किसको पसंद नहीं होती बुराक की तो खुशियाँ देखें <laughs> इसका तो मुँह ही नहीं बंद हो रहा था कैंडीज़ देख के कि ये सारी की सारी मेरी हैं इसका बस नहीं चल रहा था कि एक ही दफ़ा सारी की सारी खा जाऊँ वसीम घर आ गए थे तो मैंने कहा चलो जी तुम इन्होंने रो ले लाओ एना नाल बह के कलरिंग करो तो मैं फटाफट तवा कलेजी बना ला हाँ यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी खुश रहते हैं कि हमें माँ बाप जो हैं वो अटेंशन दें हमें फुल टाइम दें तो तभी राम स्कूल से बैठते हैं वरना माओ को कहाँ काम करने देते हैं तो कितने सुकून से बैठ के ये देखे मुंतहा के काम मज़े से बैठ के उसके कलर खा रही है बस ऐ दे अपने काम ने तो साथ साथ वो चेज़ पाव वाले कार्टून लगाए हुए थे ब्राक ने मोबाइल पे और साथ साथ कलर कर रहा था तो आज ये बनाते हैं जी तवा कलेजी जिसके लिए आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो यहाँ पे कलेजी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है इतना ज़्यादा मैंने इसको वॉश किया है कि कलेजी भी उन्हें लग लगे बस कर दे मैंने कितना कोई वॉश करना ही नहीं गल मैं अगे ही साफ हाँ और यहाँ पे वॉश करने के बाद मैं अच्छी तरह से इसका वाटर जो है वो सारा ड्रेन कर लूँगी क्योंकि जब इसको मसाले लगेंगे लेमन लगेगा योगर्ट तो खैर मैंने लगानी नहीं तो लेमन और मसाले लगने की वजह से ये अपना बहुत सारा पानी जो है वो छोड़ेगी पकते हुए हर चीज़ को पकाने के हज़ारों तरीके हैं बहुत ही आसान और सादा से YouTube और TikTok भरा पड़ा है कि किस तरह से किस चीज़ को बनाया जाए हर एक का अपना अपना तरीका होता है तो यहाँ पे मैं कलेजी का मसाला रेडी कर लूँगी मैंने क्या लिया है मैंने रेड चिली पाउडर लिया है साथ में मैं फ्रेश चिली और सॉल्ट इसमें ऐड करूँगी कोई इसमें मैंने डिफरेंट से मसाले नहीं ऐड किए वही जो घर में यूज होने वाले हैं वही मैंने सादा से मसाले इसमें ऐड किए हैं बस एक जो डिफरेंट चीज़ मैंने की है वो ये कि शान वालों का मसाला मैंने इसमें ऐड किया है ये कलेजी मसाला ये देखें बड़ा ही मज़े का टेस्टी सा लाजवाब सा मसाला अक्सर मैं ये यूज़ करती होती हूँ अच्छा जी निशान वालों का मसाला यूज़ करने के बावजूद मैंने इसमें घर के मसाले सारे ऐड किए इसमें ऑलरेडी मौजूद थी मेथी गरम मसाला धनिया पाउडर हर तरह के मसाले इसमें ऑलरेडी ऐड थे लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई कसर ना रहे जे मत थोड़े ओवन बिच में होर थोड़े, थोड़े पावा तो लिहाजा मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी डाला मेथी ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की अच्छा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिक पैन शेयर किया था और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए कि ये आपने कहाँ से लिया कितने का लिया मैंने ऑलरेडी उसमें एक्सप्लेन किया था कि मैंने अमेजोन से लिया था और 28 पाउंड का था और मैं अपने लास्ट वाली वीडियो में लिंक देना भूल गई थी और मैं अपनी इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देती हूँ कि आसानी से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अमेजोन से तो आपके लिए इजी हो जाएगा बजाय टाइपिंग करने के ढूंढने के अगर आपको एग्जैक्ट यही चाहिए तो मेरा जो लास्ट वाला व्लाग है उसके थंबनेल में ऑलरेडी मैंने इसकी पिक्चर दी हुई है आप वहां से एग्जैक्ट इसकी वर्डिंग जो है वो टाइप कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली अच्छा बातों बातों में ये बताना भूल गई कि इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया अब इसमें मैं फ़्रेश लेमन ऐड कर रही हूँ और इस मसाले को मैं अच्छी तरह से मिक्सचर सा बना लूँगी योगर्ट मैंने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं की क्योंकि यही मसाले इनफ हैं और कलेजी जो है वो अपना भी पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है क्योंकि ये चिकन की कलेजी है और इस मसाले को मिक्स करते हुए ये मुझे थोड़ा सा ड्राई ड्राई लगा तो मैंने क्या किया मैंने कहा कसर ना रह जाए <laughs> मैंने इसमें लेमन जूस भी थोड़ा सा ऐड कर लिया ताकि ये अच्छा सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाए तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी कलेजी और ये देखें जी मसाला जो है वो मेरा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है मैं आपको क्लोजअप भी दिखा देती हूँ कितना ही मजेदार सा मसाला लग रहा है जब ये पकेगी स्पेशली तवे के ऊपर तो फिर कितने मजे की लाजवाब सी कलेजी तैयार होगी आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना बहुत ही आसान है और टाइम सेविंग भी है वैसे ऐसी औरतंतं वही रेसपी लबनियाँ जिड़ियाँ टाइम सेविंग हो क्योंकि बच्चों के नाल लंबिया लंबिया रेसिपीज ट्राई करना बनाना बड़ा ही औखा काम होंद तो चलें जी अब मैं इसमें कलेजी ऐड कर दूंगी बिल्कुल पानी जो है मैंने इसका ड्रेन कर लिया था और इसमें कलेजी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि सारा मसाला जो है इस पर लग जाए और इसको मसाला लगाने के बाद मैं इसको तकरीबन एक घंटा मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए इसके अंदर तक मसाले जो हैं वो जज्ब हो जाएं तो तभी ये खाने का मज़ा आएगा चलें जी एक घंटा मैरिनेशन के बाद मैंने क्या किया ये इलेक्ट्रिक पैन ही मैं यूज़ कर रही हूँ ये बिल्कुल तवा टाइप ही बना हुआ है और इस पर मैंने ऑयल जो है उसको गर्म कर लिया और कोई भी चीज़ ऐड नहीं की देखें ऑयल कितना गर्म हुआ था पैन कितना गर्म हुआ था तो मैंने इसमें जो है वो कलेजी ऐड कर दी तो बड़ा ही मज़े का ये पैन है मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया इलेक्ट्रिक कुकर आप इसको पैन भी बोल सकते हैं पिज्ज़ा पैन भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक कुकर भी बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं साड़ी चीज़ साड़ी मर्जी जे कुछ मर्जी बोलिए एनी वे ये बिल्कुल तवा स्टाइल ही बना हुआ है इसमें आपने लास्ट टाइम भी देखा मैंने इसमें पास्ता बनाया बहुत सारी चीज़ें मैं आजकल इसमें बना रही हूँ ट्राई कर रही हूँ सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ साथ शेयर करती जाऊँगी और बस मैंने इसकी आंच जो है वो मीडियम सी कर दी है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए वैसे तो ये ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट होती है और एक घंटे से इसमें मसाले भी मैंने ऐड करके इसको मैरिनेट किया हुआ है तो बड़ी आसानी से ये जो है अंदर तक पक जाएगी यहाँ पे देखें कलेजी जो है वो कितना ज़्यादा पानी छोड़ रही है क्योंकि लेमन की वजह से और जो मसाले इसमें ऐड किए हुए हैं उस वजह से तो ये और सॉफ्ट होती जाएगी तो लेकिन जल्दी ही ये पानी भी सूख जाएगा इतना टाइम नहीं लगेगा अच्छा इस पैन में आप ये भी नोट कर सकते हैं कि सारी साइडों से इसका फ्लेम आ रहा है सिर्फ मिडल से नहीं आ रहा तो कलेजी का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है यहाँ पे वसीम जो है वो किचन में आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए चलो तुम रोटियाँ बनाओ और मैं कलेजी बनाता हूँ मैं क्या कलेजी तो सारी बन गई है हूँ तुम्हें तो की बनानी है तो उन्होंने इसमें थोड़े से प्याज भी ऐड कर दिए कि प्याज जो है वो मज़ा करेंगे इसमें और मज़े की बन जाएगी बहुत थोड़ा सा टाइम लगा और फटाफट से कलेजी जो है वो तैयार हो गई यहाँ पे आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ जब रेडी हुई तो कुछ इस तरह से थी हाय इसमें से इतनी मज़े की खुशबू आई जब मैंने ढक्कन उठाया आप लोग भी फील कर सकते हैं इसकी स्मोक जो निकल रही है तो बड़े ही मज़े की बड़ी ही लाजवाब सी कलेजी रेडी हुई थी और साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ हो तो मैं कहती हूँ कि चासी आ गई सी इतनी मज़े की बनी थी मैंने इतनी तरीफें कर दी हैं कि आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या जड़े यूट्यूबर होंगे या कोई रेसिपी रेडी करन तो इन तरीफ़ा क्यों कर दें बहुत मज़े की थी बहुत मज़े की थी लेकिन वाकई ही चीज़ मज़े की होती है तो हम लोग कहते हैं ये रही जी कलेजी की फ़ाइनल लुक साथ में मैंने ग्रीन चटनी वो रेडी कर ली थी और अलहमद लाला से अलहमद लाला से बहुत ज़्यादा मज़ा आया था खाना खाने का और मैंने तो अपनी जॉब डन कर ली अब आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ईजी सी सादा सी रेसिपी कैसी लगी तो खाना खाने के बाद यहाँ पे सब लोगों ने मैंने आपको बताया था कि हमारे नेबर्स जितने भी थे सब ने हमें कार्ड्स भेजे थे न्यू ईयर के ये देखें मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ तो फिर मैं भी लेके आई थी मैंने कहा कि चलें हम भी सबको ड्रॉप करते हैं न्यू ईयर विश करते हैं नेबर्स हैं एक दूसरे को करना चाहिए ये सारे नेबर्स जो हैं वो दे के गए थे कार्ड्स तो काफ़ी सारे पड़े हुए थे कुछ ऊपर पड़े हुए थे लेकिन ये जितने मैं आपको दिखा सकी नीचे पड़े हुए थे मैंने दिखाए और ये हम सेम सेम सारे कार्ड लेके आए थे सब के गिन के और एक यहाँ पे डिफरेंट इसमें आ गया था क्योंकि इतने ज़्यादा सेम मिले नहीं थे तो भतीजा जो है ये न्यू ईयर विशिंग के लिए जो है यहाँ पे राइट कर रही थी मैंने कहा कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी है चलो तुम लिखो ना तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सब घर में जा ड्रॉप करने थे यहाँ पर ये शॉट आउट कर रही थी नंबर वाइज सब डोर नंबर लिख के तो उनमें डाल रही थी और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि बहुत टाइम के बाद जो है हम लोग कार्ड्स इस तरह लिख रहे थे और सबको देने जा रहे थे क्योंकि हमारे बचपन में ऐसा होता था कि ईद पे कार्ड्स लाए जाते थे लिखे जाते थे और अपनी दोस्तों को और अपनी टीचर्स को दिए जाते थे तो बस वही चीज़ें जो है हमारे आगे सेम सेम बार बार रिपीट होती हैं और अपना बचपन याद दिला देती हैं बस जेड़ा वक्त गुजर जे अलहमद ला सोना तो यहाँ पे देखें बाहर कितना अंधेरा रात के तकरीबन सात आठ बजे का टाइम था और ये हमारी नेबर जो है इसने देखें क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए अपना गार्डन कितना ज़्यादा डेकोरेट किया हुआ था और कितना ही प्यारा लग रहा था इसने जब फर्स्ट ऑफ दिसंबर स्टार्ट हुआ था तब से लेके पूरा महीना इसने अपना गार्डन जो है वो इसी तरह डेकोरेट रखा तो मैं बस यहाँ पर खड़ी हो के भतीजा को देख रही थी और ये हतीजा जो है सबके लेटर बॉक्स में कार्ड्स डाल रही थी तो बाहर सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने जो हैं वो घर कितने ज़्यादा लाइटिंग लगा के डेकोरेट किए हुए थे तो चलें जी मेरा आज का विग बस यहीं पे ख़त्म होता है मेरा और आपका साथ आज यहीं तक का था उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा विलाग पसंद आया होगा प्लीज़ हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लाग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़